हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, जो क्लास 12th चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। जो पहला वीडियो, जो कि आज का वीडियो है, हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, देन गॉसेस लॉ का डेफिनेशन, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं, वो पूरा देखेंगे। और जो सेकेंड वीडियो है, उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ देखेंगे, जो डेरिवेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और आप लिंक, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करता है, वो किससे करता है? वो किसी सरफेस से करता है। तो अब हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड थ्रू अ सरफेस, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी सरफेस से लिंक्ड है। तो अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो कोई भी एलिमेंट्री एरिया, कोई भी एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया मींस डीएस। अब मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको कि एरिया इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर और जिसका डायरेक्शन उस एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट मींस सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं फिगर में दिखा रहा हूं आपको, अगर ये एलिमेंट्री एरिया जिसका मैग्नीट्यूड डीएस है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। नाउ अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है, तो मान लो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अस अज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, राइट? देन बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, आपने ये पढ़ा है 11th क्लास में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो अगर मैं इसको इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करूं, तो दिस इज ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, विच वेक्टर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एलिमेंट्री एरिया वेक्टर, दैट मींस एरिया वेक्टर, क्योंकि हमने यहां पे एलिमेंट्री एरिया लिया। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें फील्ड चाहिए, हमें एरिया चाहिए, और हमें फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चाहिए, दैट मींस उस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड में ओरिएंटेशन चाहिए, उस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड में ओरिएंटेशन चाहिए। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा और एक दो केसेस लेके दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, तो आपकी स्क्रीन पे एक फिगर आएगा। उस फिगर में फर्स्ट देखो, जो वही है मैंने जो अभी अब डिस्कस किया है, वो क्या है, जिसमें एंगल ई और डीएस के बीच में कितना है? थीटा। ये थीटा जीरो भी हो सकता है। सेकंड डायग्राम आप देखो, सेकंड डायग्राम थीटा क्या हो सकता है? जीरो। और क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन, जो कि कॉस के लिए मैक्सिमम है, तो सेकंड केस वो केस है जिसमें मैक्सिमम फ्लक्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी सरफेस के थ्रू लिंक हो रहा है। ओके, जो थर्ड केस है उसमें थीटा कितना है? 90। दैट मींस टोटल फ्लक्स कितना हो गया? कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, एरिया नॉन जीरो, लेकिन फ्लक्स जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के अलावा उन दोनों के बीच के ओरिएंटेशन, दैट इज एंगल, पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो अभी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन देखा, अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना था कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं।
अगर किसी सरफेस एरिया से आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो डू यू नो आपको क्या देखना है? आपने सिर्फ यह देखना है कि वो जो सरफेस एरिया है उससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक प्लेन एरिया है, अगर ये प्लेन एरिया है और इस रूम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसके डायरेक्शंस इधर है, दैट मीन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो आप इस सरफेस से फील्ड लाइंस के नंबर्स को काउंट कर लो, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जी। बट ये फील्ड लाइंस आप काउंट कैसे करोगे? यू कैन नॉट काउंट। That means this is the only physical significance. We cannot calculate electric flux. हाँ, हम इसे समझ जरूर सकते हैं कि is electric flux links or not? क्या electric flux उस surface से link हो रहा है? अगर field lines उसको cross कर रहे हैं, इसको और detail में समझने के लिए मान लो ये surface क्या है? ये surface एक cloth है और electric field lines क्या है? धागा है। Now remember the concept of सुई and धागा। आप अगर इस सुई को इस सरफेस एरिया से क्रॉस कर दो तो ये धागा क्या कर रहा है? इस साइड से उस साइड जा रहा है। तो ये जो धागा है वो इस सरफेस एरिया को पेनिट्रेट कर रहा है, दैट मींस फ्लक्स लिंक हो रहा है। ओके, अभी इसको समझने के लिए विल सी टू न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी बुक। वो दोनों न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? लेट सी। द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.15। देखो 1.15 क्वेश्चन क्या कहता है कि आप एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। आप एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। थ्री डायमेंशन में जेड एक्सिस ऐसे है। इसमें आप एक स्क्वायर प्लेन ले लो जो YZ प्लेन के पैरेलल हो। तो मान लो मैं इसको YZ प्लेन में ही मान लेता हूं, दिस इज द स्क्वायर। ओके, अगर मैं इस स्क्वायर को इधर से देखूं तो दिस इज द एरिया वेक्टर। दिस इज व्हाट? एरिया वेक्टर S। दिस इज द एरिया वेक्टर S। अभी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Along x-axis, electric field क्या है? Along x-axis, and its value is given as 3×10³ newton per coulomb i cap. I cap means direction of electric field along x-axis. अब अगर इस electric field का आप इस flux से, इस electric field का आप इस area से flux calculate करो, तो क्या करना है हमने? पहले देखो इसका physical significance कि ये area है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो ये लाइंस इसको पेनेट्रेट कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स लिंक हो रहा है। कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? अब कैलकुलेट हमने किससे करना है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। अब बोलोगे सर आपने ई डॉट डी एस से ई डॉट एस कैसे ले लिया? तो यहां पर समझने की कोशिश करो, मैं आपको यहां पर इस बॉक्स में बता देता हूं। जो टोटल फ्लक्स किसी भी सर्फेस से कैलकुलेट होना है वो ई डॉट डी एस। मैंने इंटीग्रेट क्यों किया? वाई, क्योंकि E.ds इसमें बहुत सारे ds है। उन सारे ds को जब आप ऐड करोगे, उन सारे E.ds को आप ऐड करोगे, तब आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म है, मैंने इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, और जब इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया तो अंदर सिर्फ ये जो ds इंटीग्रेट होकर क्या बन गया? s। तो अभी फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री। अब आप E की वैल्यू डालो, S की वैल्यू डालो, सबकी वैल्यू डालो। ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड कितना है? इस स्क्वायर का साइड क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का साइड क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? 3×10³ इंटू एस कितना हो गया? 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 30 Nm² per coulomb। ये क्या है इसका? What is this? Unit of this electric flux। और क्योंकि electric flux दो vectors का scalar product है, इसलिए कैसे physical quantity है? ये scalar physical quantity है। कोई direction की need नहीं है। Electric flux has no direction। तो it is 30 Nm² per coulomb। This is the first part, A part of the question। अब second part question का क्या पूछ रहा है आपसे? Second part ये पूछ रहा है कि अगर
मैं उसको आपको यहां दिखाता हूं, सेम फिगर है, बिल्कुल सेम फिगर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी में हमने क्या करना है, हमने इस ये जो सरफेस है स्क्वायर, इसके ओरिएंटेशन को हमने थोड़ा सा एंगल पे डालना है, ये एंगुलर ओरिएंटेशन है। दैट मींस इसका जो एरिया वेक्टर एस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल, जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एंगल 60 है। ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो सरफेस है, इसको आपने यू कर दिया, तो जो ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर, वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना, ई डॉट एस, दैट मीन्स ई एस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 कितना हो गया, 1/2। तो जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया है जस्ट उसका आधा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1.16। 1.16 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1.16 जो क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम 1.15 वाला ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम 1.15 वाला है। दैट मींस आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, लेकिन इसमें जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो एक क्यूब से करना है, क्यूब, एक कंप्लीट क्यूब है। उस क्यूब को मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दिया। आपको पता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू हाउ मच, क्या गिवन था पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वॉज 3 × 10³ न्यूटन पर कूलम। तो अभी आपने क्या करना है, इसमें क्यूब लेना है, उस क्यूब से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्यूब का ओरिएंटेशन कैसा है, तो उसके सारे साइड्स, क्यूब के सारे साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, क्यूब के सारे साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। तो अगर आप क्यूब के साइड्स को देखो यहां पे, तो क्यूब के साइड्स कुछ ऐसे हैं, देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये जेड एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये सारे साइड्स आप देखो ध्यान से, तो इस तरीके से ये क्यूब हमारा है, दिस इज द क्यूब। अब इस क्यूब से आप ध्यान से देखो, ये वाला जो फेस है टॉप फेस, इस टॉप फेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप इसको 3D में विजुलाइज करो, ये ऐसा है ना क्यूब, ये ऊपर फेस, एक नीचे फेस, एक फ्रंट में फेस, एक बैक में फेस, एक ये फेस और एक ये फेस। तो टॉप फेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इस टॉप वाले सरफेस को पेनेट्रेट कर रहे हैं, क्या इसको क्रॉस कर रहे हैं, आंसर नो। तो इसे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, जीरो। ऐसे भी देखो आप, तो ये जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तो एंगल कितना है, 90। तो कॉस 90 कितना हो गया, जीरो। तो इस टॉप फेस से कितना फ्लक्स, जीरो। इस उसके जस्ट नीचे वाले फेस से कितना फ्लक्स, जीरो। ओके, इस फेस से कितना फ्लक्स, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, एरिया वेक्टर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, एंगल कितना, 90। पहले अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखोगे तो आप इमीडिएटली पता कर सकते हो कि फ्लक्स लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लिंक हो रहा है तो आप ये कॉस थीटा फॉर्मूला यूज कर लो। तो इससे भी कितना फ्लक्स, जीरो, और इससे भी कितना फ्लक्स, जीरो। तो अब बचा ये, इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है और इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है, राइट। तो ये देखो, इससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है जी, फाई एल। इससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, फाई आर, लेफ्ट एंड राइट सरफेस, टॉप बॉटम और दोनों साइड्स वाले सरफेस से फ्लक्स जीरो है। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, फाई एल। आप अगर ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ई एस कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ई एस। और इससे कितना, देखो सिर्फ ये शेडेड जो फेसेस है ना, ये जो शेडेड फेसेस हैं, इन्हीं से फ्लक्स लिंक हो रहा है और किसी से फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा। फाई राइट कितना, इट इज ई एस कॉस 0 डिग्री। कैसे भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना, ई एस। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, इट इज फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट इज इक्वल टू माइनस ई एस प्लस ई एस इज इक्वल टू जीरो।
तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? जीरो। तो अब यहां पे मैं आपको एक रिजल्ट कोट करता हूं। अगर किसी भी बॉडी को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द रीजंस, उसे जीरो फ्लक्स लिंक होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो व्हाटएवर लाइन एंटर्स विल गेट एग्जिट फ्रॉम द अदर साइड या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर क्लोज्ड बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? जीरो। एंड दिस क्वेश्चन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? व्हाट गॉस लॉ टेल्स अस? देखो, गॉस लॉ आपको कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड बॉडी हो, कैसा बॉडी होना चाहिए? क्लोज्ड बॉडी हो। अगर कोई क्लोज्ड बॉडी हो, उस क्लोज्ड बॉडी से जो टोटल फ्लक्स लिंक होना है, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय अ क्लोज्ड बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस अगर कोई भी एक क्लोज्ड बॉडी है, एनी क्लोज्ड बॉडी, एंड वी हैव अ चार्ज इनसाइड इट, वी हैव अ चार्ज इनसाइड इट, ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। भाई आप यहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसको आप डी एस ले लो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ई डॉट डी एस को आपने इंटीग्रेट करना है, दैट मींस पूरे सरफेस पे लेके जाना है। अब पूरे सरफेस पे लेके जाना है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है इस फिगर में? विल सी, इट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। मैंने इसमें जो गोल बना दिया, जो सर्कल बना दिया, ये सर्कल ये इंश्योर करेगा कि आपने जो कैलकुलेशन करना है ई डॉट डी एस का, वो कहां तक करना है? पूरे सरफेस पे करना है। तो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जब भी गॉस लॉ की बात होगी तो एक क्लोज्ड बॉडी की बात होगी, एक क्लोज्ड बॉडी की बात होगी। व्हेन एवर वी हैव अ क्लोज्ड बॉडी, तो क्लोज्ड बॉडी से टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर क्लोज्ड बॉडी। ओके, अभी कोई भी क्लोज्ड सरफेस आप लेते हो तो आप उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोल सकते हो। कोई भी क्लोज सरफेस, जैसे कि एक स्फेयर हो गया, एक पूरा कंप्लीट सिलेंडर हो गया, है ना, या एक कोई आर्बिट्री सरफेस हो गया, कोई भी सरफेस आप लो जो कि एक पूरा वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा हो तो उसे आप क्लोज सरफेस बोल सकते हो, उस बॉडी को क्लोज्ड बॉडी बोल सकते हो। ओके, तो उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो ये हेवी सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, बहुत आसान है। ई डॉट डी एस का मतलब आपको पता है, ई डॉट डी एस को आपने कितने, इसमें कितने ई डॉट डी एस बनेंगे, यहां भी ई डॉट डी एस, यहां भी ई डॉट डी एस, आपने सबको जोड़ना है। जोड़ना है मतलब इंटीग्रेट करना है, कंटिन्यूअस एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो आपने इन सबको जोड़ के कहां पहुंचाना है? यहां पे। कैसे पता चला हमने सबको जोड़ दिया? इस सर्कल से। तो दिस इज, आप इसको बताओ क्या बताओगे? मैथमेटिकली तो ये इंटीग्रेशन, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस है। और वैसे फिजिकली क्या मतलब है इसका? टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस। ओके, कर लिया डिस्कशन हमने। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस, दैट इज नॉट लिमिटेड टू क्यू ओनली। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस क्यू की वजह से नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस लॉ। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे चार्जेस की वजह से है, चाहे बाहर भी कोई चार्ज हो, ठीक है, लेकिन राइट साइड में जो चार्ज है वो सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज है, वो सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी जो हम इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे तो हम इसे और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ विल सी
कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. ओके, क्योंकि ये लिंक कर रहा है टोटल फ्लक्स को चार्ज इनक्लोज से, तो हम ऐसे क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे जहां पे टोटल फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज का कॉन्सेप्ट की दमा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1.17. क्वेश्चन नंबर 1.17 में वी हैव अ ब्लैक बॉडी जिसके सरफेस से, ब्लैक बॉडी का शेप क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन यह बोला गया है कि जो टोटल फ्लक्स है उस ब्लैक बॉडी से वो कितना है. द टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू द ब्लैक बॉडी इज 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, और आपसे पूछा गया है उसके फर्स्ट पार्ट में कि भाई उस ब्लैक बॉडी के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है. अभी हमने गॉस लॉ में देखा कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी, यहां पे जो ब्लैक बॉडी है वो क्लोज्ड बॉडी है एज पर क्वेश्चन, किसी भी क्लोज्ड बॉडी से कितना फ्लक्स लिंक होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो कैन बी राइट इट लाइक क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इट्स इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू कितना, 5×ε₀. 8×10³ एंड एप्सिलॉन नॉट 8.85×10⁻¹². तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.07×10⁻¹ और 0.07 माइक्रो कूलम. राइट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, अब इस सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. जो सेकेंड पार्ट है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. व्हाट इट सेज कि अगर इस ब्लैक बॉडी से जो टोटल फ्लक्स है वो जीरो होता, इफ द फ्लक्स वर जीरो थ्रू दिस ब्लैक बॉडी, तो क्या उसके अंदर चार्जेस होते. आंसर, यस, हो सकते थे, बट नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. अगर वो ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो उस ब्लैक बॉक्स के अंदर चार्जेस हैं, बट द नेट चार्ज मस्ट बी जीरो. तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए कि भाई अगर टोटल फ्लक्स किसी भी बॉडी से जीरो लिंक हो रहा है, डज इट मीन कि उसके अंदर चार्जेस नहीं है. आंसर, नो, उसके अंदर चार्जेस हो सकते हैं, बट टोटल चार्ज, जो नेट चार्ज है, वो कितना होना चाहिए, जीरो. ओके, नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.19. विल सी क्वेश्चन नंबर 1.19. अभी जो 1.19 क्वेश्चन है, इस 1.19 क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब का एज 9 सेंटीमीटर है. आपके पास एक क्यूब है जी, आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब का एज कितना है, 9 सेंटीमीटर है. चलो जी, इस क्यूब का एज हमें दे दिया गया 9 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और उसके सेंटर पे चार्ज गिवन है आपको. क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसके सेंटर पे चार्ज गिवन है, कितना चार्ज गिवन है, तो इस क्यूब की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम. तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस क्यूब, सो सिंपल भाई, क्यूब के अंदर नेट इनक्लोज चार्ज कितना है पता है हमें. तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू दिस क्यूब, तो टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू दिस क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब q की वैल्यू आपको पता है 2×10⁻¹ अपॉन 8.85×10⁻¹². तो आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 1.9×10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. लेकिन एक यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो इस क्वेश्चन में आस्क नहीं है, पर अब समझने की कोशिश करो. नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में. एक क्यूब के सेंटर पे चार्ज है. आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकलते हैं, राइट? अब इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकल रहे हैं, ठीक है,
मान लो इस पॉजिटिव चार्ज से 600 लाइंस निकल गए, 600 लाइंस हैव बीन इमर्जिंग इमर्ज्ड फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज. कैन यू टेल मी कि एक फेस से कितने लाइंस बाहर निकल रहे हैं? टोटल कितने लाइंस निकले जी? 600. तो एक फेस से आप देखो एकदम सेंटर पे ये चार्ज है तो लाइंस तो स्फेरिकली आउट होते हैं ना, तो एक फेस से कितने लाइंस निकलेंगे? 100. दैट मींस 1/6. व्हाट डज इट मीन? कि एक फेस से फ्रॉम वन फेस हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लिंक्ड? इट विल बी q/6 epsilon naught. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, अभी 1.19 ये क्वेश्चन कौन सा था? 1.19 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 1.18 जो मैंने अभी स्किप किया था. क्यों स्किप किया था? क्योंकि दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस. कैसे? उसमें आपको एक स्क्वायर गिवन है. आपको क्या गिवन है? एक स्क्वायर गिवन है. और स्क्वायर का एज कितना है? उस स्क्वायर का एज है 10 सेंटीमीटर. उसका ये सेंटर, सेंटर से ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर आप आ जाओ. आप 5 सेंटीमीटर ऊपर आ जाओ, 5 सेंटीमीटर. तो यहां पे एक चार्ज रखा है. यहां पे क्या रखा है जी? एक चार्ज रखा है. उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज q = 10 μC. डू यू नो वट क्वेश्चन इज आस्किंग? वट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू दिस फेस? ओके, कैन यू इमेजिन अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, सेंटर जिसके सेंटर पे ये 10 μC चार्ज रखा है? तो ये जो स्क्वायर है ये उस क्यूब का एक फेस हो गया नहीं हो गया? आप सोचो, एक क्यूब जिसका एज 10 सेंटीमीटर है, एक क्यूब जिसका एज 10 सेंटीमीटर है. इमेजिन अ क्यूब जिसका एज 10 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर पे ये चार्ज हो गया. तो अब बताओ एक फेस से, नॉट ओनली दिस फेस, किसी भी फेस से, हमसे क्वेश्चन तो इस फेस से कैलकुलेट करना पूछा गया, तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू दिस फेस? आंसर इज नथिंग बट q/6 epsilon naught. तो व्हाट इज q/6 epsilon naught? व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 2.2 × 10⁵ Nm² पर कूलम्ब. तो क्वेश्चन नंबर 1.18 एंड 1.19 आर वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बट दिस इज क्वाइट स्मार्ट क्वेश्चन. इसमें आपको एक इमेजिनेशन डेवलप करना है. मैं आपको यहां पे अभी स्क्रीन पे फिगर दे रहा हूं, आप इस फिगर को देखो. इसमें चार केसेस हैं, चार टाइप्स हैं, जिसमें सब में चार्ज बॉडी के अंदर है और जो टोटल फ्लक्स बॉडी से लिंक हो रहा है, वो कितना है? q/ε0. सिलेंडर भी है, स्फेयर भी है, क्यूब भी है, ना? एक आर्बिट्री शेप का डायग्राम है जो पहला वाला. तो इसमें टोटल फ्लक्स हर केस में कितना है? q/ε0. ओके, नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1.20. इसमें एक स्फेयर है, उस स्फेयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उससे जो फ्लक्स लिंक्ड है, ये जो स्फेयर है इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है. रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है. इसके सेंटर पे चार्ज है q, सेंटर पे चार्ज है q, और इसके सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड है, क्वेश्चन इज 1.20, इसके सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो आपको गिवन है. वो कितना गिवन है? −1 × −1.0 × 10⁻³ Nm² per coulomb, ठीक है. अभी आपसे पहला पार्ट, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन has asked, अगर इस स्फेयर के रेडियस को डबल कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स लिंक होगा? अगर स्फेयर के रेडियस को डबल कर दिया जाए तो आप इस स्फेयर से, इस बड़े वाले स्फेयर से आके देखो इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यों? तो आंसर इज व्हाट इज द फ्लक्स? सेम q/ε0 व्हिच हैज बीन गिवन −1.0 × 10³ Nm² पोकुलम. आप ट्रिपल भी कर दोगे, 4 times भी कर दोगे, तो यहां पे मेन चीज क्या है?
द मेन रीजन इज टोटल एनक्लोज्ड चार्ज. आप स्फीयर ये ले लो, स्फीयर ये ले लो, छोटा सा स्फीयर ले लो, उसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है अगर वो q है तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? q बाय एप्सिलॉन नॉट. द आंसर वुड बी सेम. व्हाट इज द बी पार्ट? बी पार्ट में पूछा गया q की वैल्यू कैलकुलेट करो. व्हाट इज द बी पार्ट? बी पार्ट में पूछा गया q की वैल्यू कैलकुलेट करो. तो आप जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो q इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट. इट वुड बी माइनस 1.0 इंटू 10 पावर 3 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट माइनस 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम. तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? नैनो कूलम. सो इजी दिस क्वेश्चन सर. तो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1.20. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस. नाउ Now we'll move on question number, next question of the NCERT book. The question is 1.22. The question is 1.22. 1.22, question number 1.22 क्या कहता है? कि आपके पास एक metallic sphere है जी. आपके पास एक metallic sphere है. इस metallic sphere पे charge है. आपको इस question में उसकी charge density दी गई है. Charge density. सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर. दिस द चार्ज डेंसिटी गिवन टू यू. आपसे क्या पूछा गया कि आप इस पे चार्ज कैलकुलेट करो. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज? भाई मान लो ये चार्ज है. मान लो जो चार्ज है वो कितना है? मान लो चार्ज क्यू है और रेडियस आर है. तो बताओ मुझे सिग्मा इज इक्वल टू कितना? क्यू अपॉन 4πr². तो व्हाट इज क्यू हियर? बिकॉज 4πr² इज द रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. तो q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr². तो आप सिग्मा की वैल्यू इधर सबमिट करो, आप r की वैल्यू इधर सबमिट करो. रेडियस जो है इस क्वेश्चन में डायमीटर, ये पूरा डायमीटर दे रखा है 2.4 मीटर. तो जो रेडियस होगा 1.2 मीटर. तो सिग्मा की वैल्यू आप डालो 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना? 1.2 का स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम. नाउ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट बी पार्ट सेज कि नाउ कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू दिस सरफेस. भाई टोटल फ्लक्स फाई कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज क्यू हियर? आपने भी पता कर लिया, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3. एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1.6 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक विच इज एग्जाम्पल 1.11. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम से पूछे गए हैं. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास अगेन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें एक क्यूब है. वी हैव अ क्यूब इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक क्यूब है जो इस तरीके से प्लेस्ड है. ठीक है जी, आपको यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है. ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा पावर एक्स पावर 1/2, ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है बट वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल फील्ड है, ये कांस्टेंट फील्ड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स. अगेन क्वेश्चन हैज गिवन कि दिस इज ए साइड ऑफ द क्यूब इज ए और जो वाई जेड प्लेन से इस फेस का डिस्टेंस है दिस इज ए, राइट? तो इस फेस का डिस्टेंस आप देखो ध्यान से, इस फेस का डिस्टेंस कितना हो गया? ए. और इस फेस का डिस्टेंस कितना हो गया बताओ मुझे आप? इस फेस का डिस्टेंस कितना हो गया? 2a. आप ध्यान से देखो, इस फेस का डिस्टेंस कितना हो गया? 2a. तो आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें इस क्यूब से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक थ्रू दिस क्यूब? तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू दिस क्यूब?
विल सी कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्वेश्चन 1.16 कि टॉप फेस से, बॉटम फेस से, इस फेस से और इस फेस से टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। व्हाट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू दिस फोर फेसेस? जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये टॉप फेस, बॉटम फेस, इस वाले फेस और इस वाले फेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? जीरो। सिर्फ इस लेफ्ट फेस और राइट फेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है। मैं आपको अगर जो बुक में डायग्राम है वो दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पे देखो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखो तो जो ब्लू शेडेड पार्ट है सिर्फ उस क्यूब का, जो ब्लू शेडेड जो फेस है सिर्फ उससे फ्लक्स लिंक हो रहा है, बाकी चारों फेसेस से जीरो फ्लक्स लिंक हो रहा है। नाउ कम, तो अब सबसे पहले विल कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस। आप देखो इससे एरिया वेक्टर किधर है? लेफ्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है? राइट है। तो व्हाट इज द एंगल? 180 डिग्री। तो व्हाट इज फाइ एल इज इक्वल टू ई डॉट एस। तो इट वुड बी ई एस कॉस 180 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू कितना है इस पूरे फेस पे, इस पूरे फेस के किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ए। तो e की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा रूट ए। और s की वैल्यू कितनी हो गई? ए स्क्वायर। कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो इट विल बी अल्फा रूट ए स्क्वायर। तो अल्फा मैं अभी ऐसे ही लिखता हूं, अल्फा रूट ए स्क्वायर। ओके, सिमिलरली जो आप राइट फ्लक्स टू द राइट फेस कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये देखो ये एरिया वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, यहां पे एरिया वेक्टर भी इधर ही है और ई वेक्टर भी इधर ही है। तो व्हाट इज द एंगल? 0 डिग्री। तो सिमिलरली ई डॉट एस वुड बी हाउ मच? ई एस कॉस 0। ई एस कॉस 0। अब ई की वैल्यू कितनी है? अल्फा रूट। आप देखो यहां पे एक्स इज इक्वल टू कितना है? 2a। इस फेस के लिए एक्स इज इक्वल टू कितना है? 2a। तो इट इज 2a, अल्फा रूट 2a, एस की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस 0 1। तो इट विल बी अल्फा रूट 2a इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द राइट फ्लक्स। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट। तो आप देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अभी हम पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, अल्फा रूट 2a ए स्क्वायर प्लस कितना माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा रूट ए स्क्वायर। ओके, अभी आप इसको अगर कॉमन लो तो कितना हो जाएगा? देखो आप अल्फा ए स्क्वायर और रूट ए कॉमन ले लो तो अल्फा रूट ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1। दिस इज द 5। नाउ अब हम इसकी वैल्यूज सबकी इसमें डालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम वैल्यूज को सबमिट करेंगे तो इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी गई है एसआई यूनिट्स में 800 और ए की वैल्यू दी गई है 0.1 मीटर। तो आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 800 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 कितना हो गया? 1.414 माइनस 1। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो इट विल बी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस बॉडी। भाई टोटल फ्लक्स है? आंसर यस है। अगर टोटल फ्लक्स नॉन जीरो है तो नेट चार्ज भी नॉन जीरो होगा। तो व्हाट इज द नेट चार्ज? इट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 1.05 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, विच इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करें तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 2 कूलम। विच इज 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम।
तो इस तरीके से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने वैल्यूज को चेंज करके, न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज करके, फंक्शंस को चेंज करके सेम क्वेश्चन किस न किस तरीके से पेपर में पूछते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन. नाउ विल सी एग्जाम्पल 1.12 ऑफ एनसीईआरटी बुक. एग्जाम्पल 1.12 ये क्या कहता है कि अगेन आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी हैव अ सिलेंडर. एक सिलेंडर है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा, राइट. इस सिलेंडर का जो हाफ पार्ट है वो राइट एक्स एक्सिस, और जो आधा पार्ट है वो लेफ्ट एक्स एक्सिस, ठीक है. तो अगर इस सिलेंडर को देखें और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, E इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में E इज इक्वल टू अगेन 200 न्यूटन पर कूलम्ब बट इस बार माइनस आई कैप. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस साइड पे लेफ्ट है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड पे राइट है. नो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नो जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि आप इस लेफ्ट वाले प्लेन सर्फेस से phi l कैलकुलेट करो. phi l कितना? E डॉट ds है ना, क्योंकि सारे ds और E सेम एंगल बना रहे हैं, सारे ds, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? E डॉट s. तो इट विल बी es इज इक्वल टू e pi r स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना इधर? जीरो. तो आप इसे es लिख दोगे, cos जीरो है ना, तो es. अब E की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? इट इज 200. S की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. और R की वैल्यू कितनी इस क्वेश्चन में? रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 0.05 का स्क्वायर. तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे इट विल बी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. इसी में जो नेक्स्ट ए पार्ट का ही जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपसे कैलकुलेट करने को पूछा गया है फ्लक्स थ्रू राइट, जो राइट प्लेन सरफेस है. तो राइट प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स? इट इज इक्वल टू ई डॉट एस, अगेन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो कितना? इट विल बी ई इनटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा जीरो है. तो अब ई की वैल्यू आप डाल दो, सेम कैलकुलेशन है ऊपर वाला, तो आप आंसर लिख सकते हो 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. नाउ अब अगर बी पार्ट पे आए तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस. अब कर्व सरफेस है ये जो कर्व सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहे इस कर्व सरफेस को, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस ना करे तो व्हाट इज द लिंक्ड फ्लक्स? जीरो. तो इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? जीरो. वैसे भी देखो तो कोई भी डीएस आप पूरे इस कर्व सरफेस पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में कितना एंगल है? 90. तो इट विल बी, व्हाट इज द कर्व सरफेस फ्लक्स? इट इज जीरो, ठीक है. अभी नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है सी पार्ट, कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? तो इट इज 1.57 थ्रू लेफ्ट सरफेस, 1.57 थ्रू राइट सरफेस, एंड जीरो थ्रू कर्व्ड सरफेस. तो इट विल बी 3.14. इट विल बी 3.14. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब लिख दो, आप उसे यूनिट है. लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क कि व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर. तो सेम क्वेश्चन. phi इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स इंप्लाइज q इज इक्वल टू phi एप्सिलॉन नॉट. अभी आप वैल्यूज डाल दो, phi की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 2.78 इंटू 10 पावर माइनस 11 कूलम. तो आज के इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और उस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स देखे. हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ एंड कुछ न्यूमेरिकल्स जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं. टिल देन थैंक यू.